आप रिपीटेडली सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते। ड्रोन्स को भी आपने रुकवाना था, नेटो सप्लाईज का भी मामला था, सिविल नाफरमानी भी करनी थी लाहौर के अंदर, फिर जरदारी साहब को भी आपने निकालना था। प्रश्न आपके बारे में बन रहा है वो ये कि यू टू डिस्ट्रैक्टेड। जो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं वो आपकी बात ठीक है, मतलब आप यू नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, आपके पास तो यू हैव नो पार्टी स्ट्रक्चर। ये याद रखेंगे कि 30-40 लाख लोगों की इलेक्शन करवाना एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से मैं अमेरिका पैसा इकट्ठा करने जा रहा था, इसके लिए पैसे चाहिए। आपने पार्टी में के अंदर लेके हैं सबको, आपने पार्टी के ओहदे दे दी। अगर एक शाह महमूद है उसका 30 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कई ऐसे हमारे थे बड़े लॉयल वर्कर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका लेवल, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन लेवल उनको लिमिट कर देता था एक जगह पे जाके। लेकिन जी आपने पहला कॉम्प्रोमाइज तो वापस स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने आपके पास ठहरना भी नहीं। लेकिन तो अब आप पीएमएलएन को फॉलो कर रहे हैं? करता हूं कि पीएमएल की एंटायरली गलती नहीं है ये। और पहले मैं ये बताऊं, ये जो आपके पास मंशूर है ये 2002 का है। हमें 2002 से अपना मंशूर अपडेट ही नहीं किया, ये तो मुझे और भी थोड़ी सी परेशानी वाली बात बता रहे हैं। मुझे पता नहीं, हमारी पार्टी कभी बंदूक, मुझे पता ही नहीं उठाओगे, हमें जरूरत नहीं ऐसी लानत फेंकते, ऐसी पावर में बंदूक के सिस्टम में। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसे में जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन टाउन में जलसा किया, जिसमें इमरान खान ने अपने खिताब में पुलिस के निजाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तहम इस जलसे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद कारकुनों ने जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की और हथियारों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर पुलिस अफसर भी खामोश तमाशाई बने खड़े रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। फैज मुशर्रफ की इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पूरी दुनिया में एक शख्स वकालत करता था। 9/11 के बाद उनका ये एक अंदाजा था कि हम गलती करेंगे और वो उसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गलती नहीं की। सदर मुशर्रफ ने पॉलिसी वाजे अपनाई जो कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में थी। पूरे टेन्योर में, मुशर्रफ के टेन्योर में वॉर अगेंस्ट टेरर के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे, उसके सपोर्टर थे, और आप उसके सपोर्टर नहीं थे। ये बदल गए या आप बदल गए? The killing of Bin Laden was announced. Your first reaction, you said, was to feel anger and humiliation on the news that Bin Laden was dead. हम एक नजरियाती पार्टी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों से वादा हमेशा ये रहा कि मैं आपको बेहतरीन टीम लेके आऊंगा। बाकी तमाम हकायक से कता नजर एक नजर इमरान खान साहब की बेहतरीन टीम पर डालते हैं। मखदूम जावेद हाशमी, पहले इस्लामी जमीयत तुलाबा के सदर, फिर जियाउल हक की मजलिस शूरा के रुकन, फिर पीएमएलएन के वजीर, और अब इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पीटीआई के सदर मुकर्रर हुए। बदनामी जमाना असगर खान केस में नामजद होना इनकी सियासी कामयाबी है। शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेदो से सियासत का आगाज, फिर पीएमएलएन से वाबस्ता हुए, इसके बाद फिर पीएमएलजे में आए, बाद अजां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब पीटीआई के वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। इनकी सियासी कामयाबियों में कैरी लूगर बिल, ड्रोन अटैक्स में इजाफा, आफिया सिद्दीकी की सजा, ब्लैक वाटर को आजादाना कार्रवाइयों की इजाजत समेत जरदारी और गिलानी की करप्शन पर मुजरमाना खामोशी शामिल है। खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तान तहरीक इस्तकलाल से सियासत का आगाज, फिर पीडीए ज्वाइन की, उसके बाद पीएमएलएन के हो गए, बाद अजां पीएमएलक्यू और अब पीटीआई में। सियासी कामयाबियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका को हवालगी, ड्रोन हमलों की इजाजत, अदलिया की माजूली और लाल मस्जिद ऑपरेशन के साथ साथ वॉर ऑन टेरर की मुकम्मल हिमायत शामिल है। मियां अजहर, पीएमएलएन से आगाज किया, बाद अजां पीएमएलक्यू की बुनियाद रखी और अब पीटीआई में शामिल है। सियासी कामयाबियों में जमहूरियत पर शबखून मारने वाले डिक्टेटर की हिमायत, सियासी जोड़ तोड़ में महारत, एजेंसियों की ईमा पर पीएमएलक्यू का कयाम और फिर बहसियत सदर पीएमएलक्यू अपना पहला इलेक्शन हार जाना शामिल है। सरदार आसिफ अहमद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासी करियर का आगाज किया, पीएमएलएन की काबीना के मेंबर और अब पीटीआई के कारकुन है। सियासी कामयाबियों में जाली डिग्री केस पर एचईसी की सरको भी शामिल है। जहीर अब्बास खोखर, पहले पीपीपी, फिर पीपीपी पेट्रियाट, फिर पीएमएलक्यू,
और अब पीटीआई। सियासी कामयाबियों में पार्टियां बदलना, बदमाश अनासर की सरपरस्ती और गरीब आवाम की जमीनों पर कब्जा करना शामिल है। जहांगीर खान तरीन पहले मुस्लिम लीग फंक्शनल, फिर पीएमएलक्यू और अब पीटीआई में शमूलियत। जनरल मुशर्रफ की मुकम्मल हिमायत, वजीर सनत और तिजारत की हैसियत से स्टील मिल के औने पौने दामों निजकारी की कोशिश, चीनी और आटे का बहरान समेत ड्रोन अटैक्स, लाल मस्जिद ऑपरेशन और अदलिया की माजूली पर खामोशी इनकी सियासी कामयाबियां हैं। अब्दुल अलीम खान पीएमएलक्यू से वाबस्तगी और फिर मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा रहे और अब पीटीआई में शमूलियत। ग्रेट लैंड माफिया का सरगना होने का एजाज हासिल, लोग इन्हें मिनी मलक रियाज के नाम से भी जानते हैं। चौधरी शाहिद अकरम भिंडर पहले पीएमएलक्यू और अब पीटीआई से वाबस्ता है। इमरजेंसी का निफाज और अदलिया पर शबखून मारना इनकी मायानाज खिदमत है। मोहम्मद आजम खान सवाती जमीयत उलमाए इस्लाम फे से सियासत का आगाज और अब पीटीआई में शामिल। दोहरी शहरियत और स्विस बैंकों में सबसे बड़े अकाउंट का मालिक होना और जरदारी काबीना में 3 साल तक खामोश तमाशाई बने रहना इनका खासा है। जफर इकबाल बड़ाइच पीपल्स पार्टी से सियासत का आगाज, फिर पीएमएलक्यू और इसके बाद अब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुशर्रफ का दस्ते रास्त होना, लाल मस्जिद के ऑपरेशन का रूहे रवा होना और चीफ जस्टिस को बालों से घसीटना, ये सब इनका तुर्रा इम्तियाज है। फैज टम्मन पीएमएलएन से जाली डिग्री की बुनियाद पर निकलने के बाद अब पीटीआई में। जाजी खान पीएमएलएन से जाली डिग्री की बुनियाद पर निकलने के बाद पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। परवेज खटक खान खैबर पख्तूनख्वा की इजी लोड गवर्नमेंट का इजी लोड मिनिस्टर और अब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी गुलाम अब्बास पीपीपी से सियासत की शुरुआत, फिर पीएमएलक्यू से वाबस्तगी और अब पीटीआई में शामिल। अब्दुल रशीद भट्टी पीपीपी से आगाज, फिर पीएमएलक्यू से सियासी वाबस्तगी और कत्ल के 9 केसेस में मुलव्वस होने के बावजूद भी पीटीआई की रुकनियत मिल गई। ख्वाजा खान होती पहले पीपीपी फिर इजी लोड गवर्नमेंट का इजी लोड मिनिस्टर, एएनपी से वाबस्ता और अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सियासी सरगर्मियों में शामिल। अवैस लगारी पहले पीपीपी फिर मिल्लत पार्टी फिर पीएमएलक्यू और अब पीटीआई में शामिल। कुर्सी से इस कदर प्यार है कि पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने के बावजूद अभी तक कौमी असेंबली में पीएमएलक्यू की टिकट पर जीती हुई नशिस्त पर बराजमान थी। अवैस लगारी का ख्याल है कि वो कायदे आजम है। गुलाम सबर खान पीपीपी आजाद, पीएमएलक्यू फिर आजाद और अब पीटीआई। कर्नल गुलाम सरवर चीन पहले पीपीपी फिर पीएमएलएन फिर पीएमएलक्यू और अब पीटीआई। सिकंदर बोसन पहले पीएमएलएन फिर पीएमएलक्यू और अब पीटीआई। जनरल परवेज मुशर्रफ को बाबर्दी सदर मुंतखब करने की हिमायत इनके सर का ताज है। रऊफ हसन सऊदी हुकूमत के मीडिया एडवाइजर, फिर शहबाज शरीफ के मीडिया एडवाइजर और अब पीटीआई। शहजाद वसीम मुशर्रफ के दौर में जनरल इहतिशाम जमीर ने सेनेटर बनाया, फिर पीपीपी में चले गए और अब पीटीआई। इसहाक खाकबानी पीएमएलक्यू अब पीटीआई। शफकत महमूद पहले पीपीपी फिर फारूक लगारी फिर मुशर्रफ की काबीना फिर शहबाज शरीफ के एडवाइजर और अब पीटीआई की गोद। मजहर कुरैशी पहले पीएमएलएन फिर पीएमएलक्यू फिर आजाद और अब पीटीआई। इसी तरह की शोहरत के हामिल कबू बेश 170 सियासी नोटों के लिए पीटीआई ने आंखें बंद करके अपनी बाहें फैला दी। महज 3 माह में इस कदर कसीर तादाद में सियासी नोटों की शमूलियत और इनके लिए अहलियत के तमाम मयारात को पसे पुष्ट डाल देना बड़ा मानी खेज है। गैर जानबदाराना तजिया किया जाए तो ये कहने में कोई आर नहीं कि जब तक इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाया था तो पार्टी छोटी थी मगर नजरिया बड़ा था। मगर जब इमरान खान ने जनरल पाशा के साथ मिलकर सियासी हमाम बना लिया तो चंद माह में पार्टी तो बड़ी हो गई मगर नजरिया छोटा हो गया। इमरान खान साहब कानून की रोह से तो किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हों या नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म किया, वो है उम्मीदों को तोड़ने का, अपने नजरियाती कारकुनों की, कौम के नौजवानों की।
गुजरांवाला का एक जलसा होता है, उसको पूरा कंडक्ट करता है एक नईमुर रहमान, जो कि पार्टी को कहां से कहां ले जाता है, और नेक्स्ट डे उस जलसे की बेस पे एक बंदा शायद राम बिंडर पार्टी ज्वाइन करता है और उसे गुजरांवाला का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसकी क्या रीजन है? इमरान खान साहब का मसला ये है कि ये इक्तदार मिलने से पहले एक्सपोज हो चुके हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने कलाबाजियां नहीं खाई, इन लोगों ने 15 साल के अंदर 1500 कलाबाजियां खाई, जिन लोगों का जहन्नुम के दरवाजों तक इन लोगों ने पीछा करना था, उनके साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च चीफ जस्टिस के लिए इन लोगों ने करने की बात की थी, चीफ जस्टिस के लिए जब लॉन्ग मार्च किया जा रहा था उस वक्त हम कारकुन तो वहां पे मारे खा रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब उस दिन भी गायब थे। और उसके बाद मैं अगली बात जो करना चाहूंगा कि ये कहते हैं टीम 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 की बात की, और टीम जो मार खाने वाली टीम है वो कहाँ है? मिराज मोहम्मद खान कहाँ पे है? मुझे शायद इमरान खान को इमरान खान साहब को याद नहीं होगा, मैं आईएसएफ का फाउंडिंग मेंबर था, आई एम फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ आईएसएफ। इमरान खान साहब तो मुझे जानते भी नहीं है।